तो एलोन मस्क अब इंडिया नहीं आने वाला है। तेस आपको पता होगा वो कल इंडिया आने वाले थे, उनका कल का प्लान था 21 से 22 अप्रैल का। तो वो क्यों कैंसिल किया, वो कब आएंगे, तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। छोटा सा ही टाइम लेंगे आप लोग का, आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देखना। तो आपको पता होगा एलोन मस्क जो कुछ दिन पहले वो अनाउंसमेंट किए थे कि हम लोग जो टेस्ला का प्लांट लगाने वाले हैं इंडिया में, जहाँ पे वो $2 से $3 बिलियन इंडिया में वो इन्वेस्ट करते हैं इस प्लांट के ऊपर। तो इसी प्लांट को लगाने के लिए वो जगह को देखने के लिए आ रहे थे कि उनको प्लांट कहाँ लगाना है, दिल्ली, मुंबई या हैदराबाद, कहीं भी जहाँ भी उनको पसंद आ जाए। और उसी के साथ साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से भी मिलने वाले थे। बट अभी एक बहुत बड़ा बैड न्यूज आया कि उनका जो आज इंडिया आने का दौरा था उसको वो कैंसिल करने वाले हैं। जहाँ पे वो इसके रीजन में वो ट्विटर पे एक ट्वीट करके वो लिखे कि मेरा जो टेस्ला से रिलेटेड कुछ काम आ गया, इसीलिए मैं दुर्भाग्य से जो इंडिया को विजिट नहीं करने वाला हूँ। बट हाँ, मैं उत्साहित हूँ कि मैं इस साल के अंत तक मैं इंडिया विजिट करूँ। मतलब कि वो अभी नहीं आने वाला, इस साल के अंत तक हो सकता है उनके पास टाइम होगा तो वो आएंगे। मतलब भाई ये क्या बात हुई। तो भाई ये तो सीधा पता चल रहा है कि बहाना बता रहे, जरूर कुछ ना कुछ बात हुई। बट ऐसे रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो उनको यहाँ आने से पहले कुछ शर्तें वगैरह रखी थी, मतलब आप अगर प्लांट लगाते हो इंडिया में तो आपको ये सारे रूल को फॉलो करना होगा। बट एलोन मस्क भी जो अपना इंडियन गवर्नमेंट के सामने वो कुछ शर्त वगैरह भी रखी थी कि अगर हम इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये सारे कुछ रूल्स वगैरह को आपको चेंज करना होगा इंडिया में। तो आपको बता दो, एलोन मस्क का एक बहुत बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है कि अगर वो जहाँ भी जाते हैं या फिर कहीं वो इन्वेस्ट करते हैं तो वो अपने बदौलत पे वहाँ के एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से वो कंट्रोल करते हैं। मतलब कि जगह भी उनका, पैसा भी उनका और टाइम भी उनका, मतलब कब कहाँ और कैसे करना है सब उन्हीं का प्लान होता है, तभी वो भाई वहाँ पे एंट्री करते हैं। वरना वो तुम अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। तो हो सकता है हमारी इंडियन गवर्नमेंट उनकी शर्तें वगैरह नहीं मानी होगी, इसलिए वो यहाँ आने से वो टाल दिए। बट वो बताएं कि इस साल के अंत तक हम लोग इंडिया विजिट कर सकते हैं। तो भाई देखते हैं कुछ नए रूल वगैरह के साथ वो आए इंडिया। बट आप लोगों को क्या लगता है, हमारे इंडियन गवर्नमेंट को एलोन मस्क को यहाँ पे प्लांट लगाने देना चाहिए या नहीं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, ऐसे न्यूज के लिए अगर चाहिए मेरा वीडियो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और एक चीज़ और, अगर आप ट्रेडिंग वगैरह करते हो या फिर क्रिप्टो या फॉरेक्स या इंडियन मार्केट में किसी में भी करते हो, तो अगर आपको उसके लिए अगर डीमैट अकाउंट चाहिए फ्री में, तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप अपना अकाउंट को ओपन कर सकते हो। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो आप लोग जाके प्लीज़ जरूर देखना वहाँ पे, और साथ में टेलीग्राम भी ज्वाइन कर ही लेना।